नमस्कार दोस्तों, आइए आज पहले कुछ प्रेपोजिशन करते हैं सबसे पहले। और ये जो चार प्रेपोजिशन है इनका डिस्कशन हम टाइम के संबंध में करेंगे, और ये जो पांच प्रेपोजिशन है इनका हम प्लेस के संबंध में करेंगे। एकांत प्रेपोजिशन ऐसी है जो दोनों में कॉमन होती है, टाइम को बताते हैं, टाइम का रिलेशन बताते हैं तब भी होती है, प्लेस का रिलेशन बताते हैं तब भी होती है। तो पहले टाइम वाले में देखिए, इन अगर आप किसी को कहें कि फिनिश दिस जॉब इन 5 days, इसका मतलब यह हुआ कि आप उनको यह कह रहे हैं कि इस काम को करने में 5 दिन ले लें, 5 दिन में इसको खत्म कर दें। यह इन लगाने से हुआ। अगर आप इनकी जगह विद इन लगाते हैं, कहें कि फिनिश दिस जॉब विद इन 5 days, इसका मतलब यह है कि 5 दिन मैक्सिमम है। और कहने वाला उम्मीद तो आपसे यह कर रहा है कि आप 5 से पहले ही खत्म कर देंगे, लेकिन आपको 5 दिन की मोहलत दी गई है कि 5 दिन के अंदर अंदर इसको खत्म कर दीजिए। इसी बात को कहने का दूसरा तरीका भी होता है, जैसे कोई कहे Finish this job by Monday. By Monday. इसका मतलब है कि इस काम को मंडे तक खत्म कर दें। अब मंडे तक by लगाने से जो आशय निकलता है वो ये है कि मंडे का दिन भी ले ले, यानी मंडे भी उससे पहले के भी जो दिन है वो भी ले लो और मंडे का भी ले लो, यानी इसमें मंडे इंक्लूडेड है बाई लगाने में। अगर बाई की बजाय आप बिफोर लगा दें, इसका मतलब है मंडे शामिल नहीं है उसमें, मंडे से पहले ये खत्म कर दो। ये इन चारों के अर्थ थे। अब हम इधर आ रहे हैं। देखिए, आप कोई कल्पना करें, कोई ये रोड है आपका, सड़क है, यहां पर एक माल है, माल के साइड में एक स्कूल है, दूसरी तरफ मकान बने हुए हैं, रेजिडेंशियल हाउस हैं, नंबर है उनके 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 मकान। यहां पर बेंच बना हुआ है लोगों के बैठने के, ऐसे लोग बैठे हुए हैं, ये बेंच है इनके। इन पे लोग बैठते हैं। अब देखिए इनकी डिफरेंट जो चीजें हैं उनकी रिलेटिव पोजीशन आपको बतानी है प्रीपोजिशन का यूज करके। ये जो बेंच है ये इसके सामने है, इस इन मकानों के सामने है, ये 2 के सामने है। तो दिस बेंच इज इन फ्रंट ऑफ हाउस नंबर 2, ये इन फ्रंट का था। लेकिन ये जो मॉल है ये भी तो देखिए इसके सामने है,
इसको इन फ्रंट नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इसके बीच में, इसके और इसके बीच में रोड आया हुआ है। तो इस तरह का कोई रोड हो, कोई रास्ता हो जिसमें कोई और काम भी होता हो, यानी बीच में से किसी चीज के आ जाने का डर हो, आप फेस टू फेस हो तो उसको आप अपोजिट कहते हैं, इन फ्रंट नहीं कहते। तो ये और ये अपोजिट है। हाउस नंबर टू इज अपोजिट द हॉल, बट दिस बेंचेस आर इन फ्रंट ऑफ हाउस नंबर टू। अब ये जो स्कूल है, ये क्या इसके अपोजिट है? नहीं, अपोजिट तो ये पार करते हैं, इस रोड को पार करेंगे जब ये है, तो इसके लिए आप अक्रॉस यूज करेंगे। द स्कूल इज अक्रॉस द रेजिडेंशियल फ्लैट्स। देखिए अभी आपने क्या क्या कर लिया, इन फ्रंट ऑफ हो गया, अक्रॉस हो गया, अपोजिट हो गया। अब बिसाइड, बिसाइड होता है साथ वाला। जैसे मान लिया यहां पर कोई पेड़ खड़े हो, तो दिस ट्री इज बिसाइड द स्कूल, स्कूल के पास में है। बिसाइड का मतलब बाय द साइड ऑफ, इसकी साइड में है, ये बिसाइड। बिफोर, बिफोर का मतलब जो इन फ्रंट ऑफ का मतलब है, लगभग वही है। जैसे ये, लेकिन इसका बिफोर का प्लेस के संबंध में यूज नहीं करते हैं, टाइम के संबंध में भी कम यूज होता है। तो बिफोर का दूसरा क्या यूज है? देखिए ये जो हाउस नंबर वन है, आप अगर इधर से आएंगे तो हाउस नंबर इज बिफोर हाउस नंबर टू, हाउस नंबर टू इज बिफोर हाउस नंबर थ्री, और इसका उल्टा होता है आफ्टर। हाउस नंबर टू इज आफ्टर हाउस नंबर वन, हाउस नंबर थ्री इज आफ्टर हाउस नंबर टू। लेकिन आप अगर यहां से जाएंगे तो हाउस नंबर सिक्स इज द फर्स्ट, इट कम्स बिफोर हाउस नंबर फाइव, इट द हाउस नंबर फाइव इज आफ्टर हाउस नंबर सिक्स बट बिफोर हाउस नंबर फाइव। तो ये आफ्टर और बिफोर, नंबर्स में भी ऐसे ही होता है। आप गिनती जब बोलते हैं तो बोलेंगे नंबर 50 कम्स आफ्टर नंबर 49, नंबर 48 कम्स बिफोर 49। इसी तरह से आप कहीं जाएं और आप कहें दूसरा आदमी वहां पर खड़ा है, लाइन बनी हुई है, और आप थोड़ी देर के लिए कहीं निकले, दूसरा आदमी आ गया, आपको कहना हो कि भाई आपसे पहले मैं आया हुआ हूं, तो आप ये नहीं कहेंगे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, नो, आई केम बिफोर यू, मैं आपसे पहले आया था। इन फ्रंट ऑफ का मतलब तो होता है बिल्कुल जो सामने खड़ा है वो। तो इसी तरह से मान लिया ये कोई टेबल है, कुर्सी, यहां लोग बैठे हैं, यहां भी लोग बैठे हैं, ये कोई टेबल है, डाइनिंग टेबल है, मान लिया, और मेंबर है 1 2 3 4 5 6। तो नंबर वन इज अपोजिट नंबर सिक्स, नंबर टू इज अपोजिट नंबर फाइव, नंबर थ्री इज अपोजिट नंबर फोर। इसी तरह से जब आप, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, कैमरा इज इन फ्रंट ऑफ मी, These two children are in front of me. I am in front of them. क्योंकि बीच से कोई रास्ता नहीं है, रास्ता जगह तो है लेकिन उसमें से किसी आने जाने का ऐसा कुछ नहीं है कि उसका कुछ और यूटिलाइजेशन हो। तो पर्टिकुलरली अपोजिट और इन फ्रंट में ये डिफरेंस है। डिस्टेंस हो सकता है दो चीजों के बीच में, वो एक दूसरे के आमने सामने भी हो सकते हैं,
लेकिन बीच में कोई चीज रखी हुई है या बीच में कोई रास्ता है, कोई पेवमेंट है, कोई सड़क है, तो वो अपोजिट हो जाएंगे, एक दूसरे का फेस करेंगे, तो अदरवाइज वो इन फ्रंट ही रहेंगे। इसके अलावा ये भी इन फ्रंट होता है कि आगे कोई खड़ा है, बिफोर जो होता है, बिफोर की जगह इन फ्रंट भी यूज कर सकते हैं, ये इसका तो बिफोर भी हो गया, बिसाइड भी हो गया। इस तरह से आज हमने ये किए, बताइएगा कि आपको ये कुछ उपयोगी लगा के नहीं। पिछली जो प्रीपोजिशन की वीडियो थी उसमें आप में से किसी एक ने बताया था, इसलिए मैंने ये बनाया, बताइए उपयोगी लगेगा, तो हर हफ्ते एक दो ही तो बनाते रहेंगे। थैंक यू, नमस्कार।